फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है क्लास टेन्थ एन सी आर टी रियल नंबर मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज वन प्वाइंट वन का हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर करने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री डिस्कस करा दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते हैं यूज यूक्स डिविजन लेमा लेमा मीन्स क्या होता है ऐसी चीज है जो स्टेटमेंट होता है जिसे ऑलरेडी प्रूव किया गया है आपको ना उसका यूज करके बाकी चीजों में इंप्लीमेंट करना है दैट इज कॉल्ड अ लेमा तो यहाँ पे बोला गया कि आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एधर ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्री थ्री एम और थ्री एम प्लस वन सम इंटीजर एम यहां पे बोला है कि कोई भी सम इंटीजर m को आप कंसिडर करना है एंड यहां पे एक और चीज बोली है कि आपको यूज करना है न्यूक्लियर डिवीजन लेमा का एंड शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है और किसके फॉर्म में रहने चाहिए थ्री एम और थ्री एम प्लस वन मतलब कि हमारा आंसर ना हमें यही निकालना है कोई भी इंटीजर लेके और हमें कोई भी एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का यूज करके ठीक है और मेथड कौन सा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का ठीक है तो चलो चालू करते हैं पहले आपको क्या करना है तो पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आपको लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एक को आपको ये समझना कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है ठीक है बी को आप क्या समझोगे कि थ्री है बिकॉज यहाँ पे देखो थ्री है तो यहाँ पे हम बी को क्या कंसिडर करते हैं कि थ्री है हमारा अभी यहाँ पे देखो बाय यूक्लिड डिविजन लेमा का यहाँ पे मेथड देखो ए को मैंने एक जो हमारा डिवीजन का फॉर्मूला है उसी को मैंने यूज किया यहाँ पे ए इजकल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस रिमाइंडर मीन्स आर क्यू मीन्स क्वेश्चन एंड बी मीन्स वॉट तो बी मीन्स यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या होगा डिवाइजर ठीक है एंड ए मीन्स डिविडेंड तो यहां पर हमारा वही फार्मूला का मैं यहां पर अप्लाई कर रही हूं जो हमने पहले डिस्कस किया था ए इजक्ल टू बी क्यू प्लस आर अब यहां पर एक और चीज बता दू की आर जो रहता है इट मीन्स की रिमाइंडर रिमाइंडर या तो जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा एंड हमेशा रिमाइंडर uh, से बड़ा होता है बी ठीक है तो आपको रिमाइंडर रिमाइंडर बी से क्या होगा छोटा ही होगा तो यहाँ पे बी हमारा कितना है थ्री है तो हमें यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ ए इज इक्वल टू थ्री क्यू थ्री क्यू लिखा क्योंकि बी मेरा क्या है थ्री है ठीक है तो थ्री एंड यहाँ पे क्यू प्लस आर अब यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया कि जीरो से या तो इक्वल होगा आर या फिर क्या होगा छोटा होगा आर क्या होगा जीरो से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा ठीक है एंड आर बी से कम होगा लेस होगा तो बी हमारा यहाँ पे थ्री है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर तो आर की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू बन रही है तो बी से छोटा ही होना चाहिए तो एक जीरो बनेगा एक बनेगा टू बनेगा थ्री में ले सकती हूं नहीं थ्री बी है ठीक है तो आर तो होगा नहीं बी तो मतलब कि यहाँ पे हमें वैल्यू कैसी लेनी है कि बी से छोटा रहना चाहिए आर तो जीरो हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है बाकी थ्री फोर में नहीं कर सकती बिकॉज की बी मेरी लिमिटेशन थ्री तक ही है ठीक है तो ये इसके अंडर के ही आ गया वन टू थ्री वन टू एंड जीरो ठीक है तो अभी हम एक एक को लेके हम इस फॉर्मूला में एड करेंगे और हमारा जो थ्री एम प्लस वन या फिर थ्री एम इस तरीके से आंसर निकालना है अब वेन अगर मैं आर इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करती हूँ मतलब कि आर को अगर मैं जीरो कंसिडर करती हूँ रिमाइंडर को तो मेरा फॉर्मूला में इस तरीके से बैठेगा ए इक्वल टू थ्री क्यू थ्री जो मेरा बी था प्लस जीरो लिखा ठीक है तो मेरा अगर मैं एड करके भी निकालती हूँ तो मेरा ए इजक्ल टू थ्री क्यू ही आंसर आएगा ठीक है देन नेक्स्ट अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर अब लेकिन मुझे स्कवायरिंग करनी पड़ेगी तो साइड यहाँ साइड की मैं यहाँ के भी और यहाँ के भी दोनों साइड के मैं क्या करूंगी स्क्वायरिंग करूंगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज टू थ्री क्यू स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर टू थ्री क्यू स्क्वायर किया मैंने देन नेक्स्ट मैं और क्या कर सकती हूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर थ्री क्यू इजल टू थ्री क्यू स्क्वायर किया मैंने देन ए स्क्वायर ए स्क्वायर इजक्ल टू थ्री क्यू स्क्वायर किया तो थ्री क्यू स्क् मतलब कि आप थ्री इंटू थ्री क्यू इंटू थ्री क्यू आप करोगे ठीक है क्योंकि थ्री क्यू स्क्वायर है दैट्स वाई थ्री क्यू इंटू थ्री क्यू करोगे तभी तो स्क्वायर बनेगा दो टाइम लिखा अब a ए स्क्वायर इजक्ल टू अब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना करना है थ्री थ्री जैन नाइन नाइन क्यू स्क्वायर हो गया ठीक है देन अब नाइन है अब इसे जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ना है तो अब मैंने यहाँ पे थ्री लिखा एंड ब्रैकेट में थ्री क्यू स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन हो रहा है देखिए थ्री थ्री जर नाइन थ्री थ्री जर नाइन हो रहा है ठीक है तो थ्री क्यू स्क्वायर तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से मैंने किया अब ये जो थ्री क्यू है थ्री क्यू स्क्वायर है इसको मैं एम इज इक्ल टू थ्री क्यू स्क्वायर समझती हूँ मतलब कि एम मेरा क्या है एम इज सम इंटीजर है तो मैं थ्री क्यू मेरा क्या हो गया एम हो गया ठीक है तो इसलिए मैंने एक स्क्वायर इज इक्ल टू थ्री एम लिख दिया ठीक है इस तरीके से और यही मेरे क्वेश्चन में था यही मेरे क्वेश्चन में था मुझे थ्री एम निकालना है या फिर मुझे थ्री एम प्लस वन निकालना है तो मैंने थ्री एम निकाला नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे अब मैं आर की जगह में वन लेती हूँ ठीक है उस टाइम मैंने जीरो लिया था अब मैं अगर आर की जगह वन लेती हूँ वेन आर इज इक्वल टू वन एज इक्वल टू वही फॉर्मूला में अगेन मैं अप्लाई करूंगी तो बी की वैल्यू थी थ्री तो थ्री क्यों प्लस वन अब यहाँ पे मैंने वन लिया बिकॉज की मेरी आर की वैल्यू कितनी आ गई वन अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अब दोनों को स्क्वायरिंग करती हूं दोनों साइड को तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन स्क्वायर अब थ्री क्यू प्लस वन स्क्वायर ये आपको ऐसा ये ऐसे फॉर्मूला में अप्लाई करना देखो यहाँ पे ए प्लस बी स्क्र यह हमारा फॉर्मूला था उसमें इसको कैसे निकालते आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसी तरीके से यहाँ पे करना है तो थ्री क्यू थ्री क्यू को आप समझिए ए एंड वन को समझिए बी ठीक है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज देन वन स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर प्लस टू 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 देन थ्री क्यू मल्टीप्लाय वन ए बी सो थ्री क्यू मल्टीप्लाई वन देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखो थ्री का स्क्वायर क्या होगा थ्री थ्री जन नाइन तो नाइन स्क्वायर हुआ प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा वन होगा एंड थ्री टू जा सिक्स सिक्स प्लस सिक्स सिक्स वन जा सिक्स तो यहाँ पे सिक्स क्यू आ गया देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू अब यहाँ पे नाइन स्क्वायर अभी हम इसे ना सिक्वेंस से लगाना है हमें लाइन से लगा देना है नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन लगा दिया लाइन से अरेंज करना है प्रॉपर देन अगेन ए स्क्वायर इजक्ल टू अभी देखो नाइन है तो थ्री थ्री जा नाइन हो रहा है इसलिए मैंने थ्री लिखा और यहाँ ब्रैकेट में थ्री क्यू स्क्वायर लिखा बिकॉज थ्री थ्री जा नाइन हो गया प्लस यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे टू लिखा बिकॉज थ्री टू जा सिक्स ओके okay? तो टू क्यू ठीक है एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड यहां पे क्या लिख दिया प्लस वन बिकॉज क्या हमें सीक्वेंस में लाना है जैसे कि हमारा आंसर है वैसे लाना है देन अब थ्री एम प्लस वन ये जो ब्रैकेट में है इसको मैंने एम कंसीडर किया है मतलब कि थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू ये मेरा क्या हो गया एम हो गया ठीक है तो थ्री एम और ये था हमारा वन टू वन तो ए स्क्वायर इज टू थ्री एम प्लस वन तो एम इज क्या है हमारा सम इंटीजर है बिकॉज कि हमें आंसर पे देखो हमने निकाला ना थ्री एम प्लस वन एज इट इज हमने आंसर निकाल लिया है देन अगेन में वेन आर इज टू टू अगर आर टू होता है पहले हमने जीरो लिया था देन वन लिया था अब मैं आर की जगह टू लेती हूँ तब कैसे आंसर आएगा तो ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू ठीक है आर की जगह मैंने टू ले लिया स्कवायरिंग बोथ साइड दोनों साइड को स्क्वायरिंग किया इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू स्क्वायर ठीक है अब स्क्वायर लाया हम लोगों ने देन ए स्क्वायर थ्री क्यू स्क्वायर ठीक है अब ऐसे फॉर्मूला में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें तो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फिर टू मल्टीप्लाई थ्री क्यू एंड टू स्क्वायर टू ठीक है तो जैसे फॉर्मूला एज इट इज मैंने किया है देन ए स्क्वायर इजक्ल टू नाइन क्यू थ्री थ्री जी नाइन थ्री का स्क्वायर नाइन होगा तो थ्री थ्री नाइन नाइन क्यू हो गया प्लस टू का स्क्वायर क्या है तो तु, तु, फोर तो टू टू जा फोर तो यहाँ पे फोर आ गया एंड थ्री टू जा सिक्स सिक्स टू झा ट्वेल्व तो सिक्स ट्वेल्व क्यू हो गया ठीक है अब इसको लाइन से ले आओ तो ए स्क्वायर इज्कवल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू एंड प्लस फोर इस तरीके से लाइन से ले आई मैं अरेंज किया देन ए स्क्वायर इजक्ल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस अब यहाँ पे देखो मुझे तो मेरा आंसर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फोर है तो थ्री प्लस वन फोर होगा इसलिए मैंने थ्री प्लस वन लिख दिया देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इन थ्री 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 इज नाइन तो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर बिकॉज थ्री फोर जा ट्वेल्व तो फोर क्यू प्लस वन वन क्यू थ्री वन जा थ्री ठीक है और ब्रैकेट किया क्लोज एंड देन यहाँ पे वन लिखा जो एज इट इज अ ये वाला वन देन ए स्क्वायर इज इजकल टू थ्री एम प्लस वन थ्री एम प्लस वन किया एम का इसे ये जो ब्रैकेट वाला है ना ये आपको एम कंसिडर करना है ठीक तो है तो एम क्या है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन ये हमारा एम हो गया तो एम इज सम इंटीजर, तो यहाँ पे एम को मैंने सम इंटीजर किया एंड ये वन एज इट इज लिखा अब मेरा आंसर एज इट इज था जैसे मैंने फाइंड आउट किया कि या तो थ्री एम आनी चाहिए या फिर थ्री एम प्लस वन आनी चाहिए और बी के एक रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होता है दैट्स वाई मेरा वन टू वन टू और जीरो ही ले सकती थी बिकॉज थ्री तो मेरा बी है ओके okay? तो इसलिए मैंने इस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया दब एंड uh, अब लिख लीजिए आप ऐसे कुछ हैंड्स इट कैन बी सेट दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज एदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन तो आशा करती हूं आपको समझ में आया रहेगा प्लीज प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में